एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम्स। तो देखो एनर्जी बैंड डायग्राम्स इसमें हमें देखना है कंडक्टर्स के, इंसुलेटर्स के और सेमीकंडक्टर्स के। तो कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स में जो ये वैलेंस बैंड होगा और ये कंडक्शन बैंड होगा, ये क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। अभी वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, ठीक है। मतलब ये लोअर बैंड जो होता है वैलेंस बैंड होता है और ये अपर वाला जो होता है ये कंडक्शन बैंड होता है। और कंडक्शन बैंड कौन सा होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि ये ओवरलैप कर रहा है। अब ओवरलैप कैसे कर रहा है, देखो ये मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये आपका यहाँ कंडक्शन बैंड है और ये वाला क्या है, वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब ये वैलेंस बैंड इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो अगर ये इसके ऊपर आ चुका है तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में भी आ गए, इसका मतलब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप समझो यहाँ पर। तो ये देखो ये मैंने यहाँ पर दिखाया इस तरीके से, ये जो आपके पास ये लाइंस वाला है जो ब्लॉक, इसको आप वैलेंस बैंड समझो, ठीक है। और जो ऊपर वाला ये कंडक्शन बैंड है, लेकिन ये चीज़ देखो आप कि ये वैलेंस बैंड थोड़ा सा कंडक्शन बैंड में भी आ रहा है, इतना पार्ट इसका, मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं ना। अगर यहाँ से आप देखो कि ये वाला कंडक्शन बैंड है हमारा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट ये वाला किसका आ रहा है, वैलेंस बैंड का भी आ रहा है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ हमने दिखा रखा है यहाँ से यहाँ ये वैलेंस बैंड है और यहाँ से यहाँ ये कंडक्शन बैंड है, तो इतना पार्ट ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी है और इनका जो एनर्जी गैप क्या है, जीरो ही है, समझ रहे हो। और थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब यहाँ कंडक्शन हो जाएगी, समझ रहे हो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जरूरत क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही है तो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड देने की क्या जरूरत है। देखो ये ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो अगर ये नॉर्मल पड़े हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी कंडक्शन बैंड में है कभी वैलेंस बैंड में भी आ सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई रखेंगे हम करके तो ये क्या किस में रहेंगे, कंडक्शन बैंड में रहेंगे। तो थोड़ा सा भी अप्लाई करते हैं तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स का जो ये कंडक्शन बैंड है और जो ये वैलेंस बैंड है, इसमें जो एनर्जी गैप है, ठीक है ना, मतलब एनर्जी गैप क्या कि मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, जो ये एनर्जी गैप है हमारे पास, ठीक है, ये है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता, क्लियर है। इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते, ये चीज़ आपको पता है। बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। देखो सेमीकंडक्टर्स में क्या है, हमारे पास 2 सेमीकंडक्टर थे, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसकी इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं, जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो इनका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है, ये हमारा होता है, देखो जर्मेनियम के लिए दिया हुआ है कितना, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए कितना दिया हुआ है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हो। जैसे इंसुलेटर का तो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर करना, लेकिन ये देखो ये तो बहुत कम एनर्जी गैप है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे अगर हम, तो ये वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। वो आपको पता भी है किस तरीके से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, अगर आपको याद हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी, अगर नहीं है तो एक बार उसको देखो, फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है ना, और वो टूटते कि किस तरीके से हैं, इतनी मतलब एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तभी वो फ्री होंगे। फ्री का मतलब क्या है कि वो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, समझ रहे हो इतनी बात, और कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स में ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 आते हैं आपके पास, पी टाइप एंड एन टाइप। इसको ध्यान से समझना, पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो इसके जो कंडक्शन बैंड है और एक वैलेंस बैंड है, ठीक है, इसमें क्या आ रहे हैं, फर्मी लेवल आ रहे हैं। और अगर आप एन टाइप में भी देखो तो यहाँ भी फर्मी लेवल आ रहा है, ठीक है। देखो फर्मी लेवल का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, द प्रेजेंस ऑफ मेन करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बिकम्स हाफ। जहाँ पर प्रेजेंस हो मेन करंट के कैरियर्स की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो, वो हाफ हो। मतलब क्या, देखो मेन करंट हाफ, तो नॉर्मल करंट कौन सा होगा, जो कि नॉर्मल जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, जैसे पी टाइप की हम बात करते हैं तो एल्युमिनियम था, यहाँ पर सिलिकॉन की बात की थी हमने, यहाँ भी सिलिकॉन की बात की थी, यहाँ भी सिलिकॉन की बात की थी, यही था, ठीक है। और अगर आपको पता है एल्युमिनियम में ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये वाले थे यहाँ पर, ठीक है, और सिलिकॉन के तो 4 होते ही हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से आप समझना बात को, और ये चीज़, ठीक है, और यहाँ भी सिलिकॉन का ये था, ठीक है। तो देखो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन ये खाली रहता है, और इसकी वजह से यहाँ एल्युमिनियम के बाद यहाँ क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, ये तो आपको पता है। अब देखो जो मेन कोज क्या है, ये होल एक्स्ट्रा आ गया ना इस इम्प्योरिटी की वजह से, ठीक है। अब अगर ये एल्युमिनियम ना होता, यहाँ सिलिकॉन ही होता, तो यहाँ भी 4 ही होते सिलिकॉन के, आपको पता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता, आप एनर्जी देते तो क्या होता, वो ब्रेक होते कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते और वहाँ होल क्रिएट होता, यही था, और इलेक्ट्रॉन एक फ्री हो जाता, यही चीज़ होती। जैसे मान लो यहाँ से ये वाले जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ एनर्जी से क्या हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये जो था इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, कंडक्शन बैंड में गया, और यहाँ पर क्या आ गया, होल आ गया, ठीक है। ये कहानी तो नॉर्मल भी चलती थी इंट्रिंसिक वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये इम्प्योरिटी की वजह से तो होल आया ही आया है, लेकिन ये वाले बॉन्ड भी तो टूटेंगे ना, ठीक है ना, तो यहाँ भी एक होल क्रिएट होगा। लेकिन
जो पहले हो रहा था कि एक होल क्रिएट हो रहा था सिलिकॉन सिलिकॉन के जब कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ एल्युमिनियम की जब हमने इंप्योरिटी ऐड की तो ऑब्वियस है यहाँ ये वाला एक्स्ट्रा होल आ गया। बाकी जो होल होंगे टूटने से वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस एल्युमिनियम की वजह से एक एक्स्ट्रा होल आ गया ना। यहाँ पर तो एनर्जी की वजह से आ रहा है एक होल, यहाँ पर क्या हो रहा है नेचुरली एक होल आ रहा है। तो मेन कोज यहाँ पर होल्स हैं हमारे पास, जो करंट का जो मेन कोज है, ठीक है। तो वो यही बात बोल रहा है कि फर्मी लेवल कौन सा होगा जहाँ पर हाफ, जो ये बोल रहा है ना आपके पास यहाँ मेन करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बिकम्स हाफ, ठीक है ना। तो हाफ किसकी वजह से करंट है यहाँ, इंप्योरिटी की वजह से, मतलब ये वाले होल्स हैं हाफ, और हाफ कहाँ से होंगे जो ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी की वजह से, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो ये जो कोज हुआ है हाफ इस इम्प्योरिटी की वजह से, ठीक है ना, तो वो चीज़ के बारे में यहाँ बात। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते थे, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते थे, ठीक है। तो एक्सेप्टर लेवल भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं ये जो लाइन लगाई है हमने यहाँ पर, ठीक है ना। देखो नॉर्मल अगर हम बात करें इंट्रिंसिक की तो उसमें एनर्जी गैप कितना था हमारा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए था, अगर ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ये वाला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये होल पड़ा है और एक ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है फ्री ये वाला, बाकी ये वाले भी अगलों से करेंगे ही बॉन्ड बनाएंगे ही, ठीक है, ये आपको पता है। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, फ्री पड़ा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये होल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, तो ये ऑब्वियस बात है इसको कैप्चर करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये फ्री पड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक एनर्जी अपनी बना लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। और कितना लेवल ऊपर आते हैं यहाँ पर, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए आ जाते हैं ऊपर, और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ ये होल्स क्रिएट करते हैं, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर ये कैप्चर हुए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ होल बनेंगे जिस तरीके से, यहाँ पर ये होल, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट होगा, तो वही काम हो रहा है यहाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ठीक है जी, तो यहाँ होल क्रिएट हो गए। अब ये वाले एक्स्ट्रा ही तो हैं होल्स, जो कि किस वजह से हो रहे थे, कि जो नेचुरली होल था वो ऑक्यूपाई कर रहा था इस इलेक्ट्रॉन को, और फिर एक होल जो था वो बन रहा था, फिर आगे वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा, होल बनेगा, समझ रहे हो बात। मतलब ये प्रोसेस तो इस एल्युमिनियम की वजह से चली जो हमने इम्प्योरिटी ऐड करी, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर होता क्या है, ये एक एनर्जी लेवल जो बना लेते हैं जिसको हम फर्मी लेवल बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ है, अब इनको कहाँ कितना शिफ्ट होना है, सिर्फ इतना शिफ्ट होना है। तो आपको कितनी देनी है, जो एनर्जी देनी है सिलिकॉन में, देखो अगर सिलिकॉन की बात हो रही है तो 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यहाँ आ चुके हैं इस लेवल पे, ठीक है। और टोटल इनका कितना गैप होता है वो आपको पता है, अगर हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन को होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.1 तो अब नहीं देनी आपको एनर्जी, आपको कितनी एनर्जी देनी है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर तो आ चुके हैं, ये देख लो इतना तो ऊपर आ चुके हैं ना ये, तो यहाँ से यहीं जाना है इनको, तो कितना माइनस करेंगे, तो अगर हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी गैप कितना रह जाएगा, 1.1 में से माइनस करेंगे हम 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में ये टोटल गैप कितना था हमारे पास, 0.72 था, तो 0.72 में से माइनस कर देंगे, ये कितना ऊपर आ चुका था यहाँ से, 0.01, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये होगा अब हमारा अफेक्टिव एनर्जी गैप जो हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो इतनी बात। और देख लो मेन कोज क्या है, होल्स ही हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा होल्स आए हैं। देखो एक होल तो वे होंगे जो कि ये वाले बन रहे होंगे, जैसे मान लो यहाँ भी ये सिलिकॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड एक तो यहाँ से ये टूटेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ वाले भी टूटेंगे, लेकिन ये वाला जो था ये तो एक्स्ट्रा ही था ना, ये वाला होल यहाँ से तो चलो टूट के एक होल बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये तो एक्स्ट्रा ही था, मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा जो होल है, और जो नॉर्मल वाले जो होल बने थे हमारे, जो नॉर्मल इंट्रिंसिक में भी बन रहे थे, ठीक है, तो वो वाली बात अगर हम कर रहे हैं कि यहाँ पर तो इंट्रिंसिक में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाले इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर जो इंट्रिंसिक में काम हो रहा था वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी तो आ गया होल, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये देख लो ना, अब जो दूसरे होल होंगे वो तो है ही है, जो कि ये नॉर्मल ब्रेक होके हो रहे हैं, लेकिन ये वाले जो होल्स क्रिएट हुए हैं ये किसकी वजह से क्रिएट हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए, ये किस वजह से गए, क्योंकि यहाँ पर ये वाला होल था, तो ये फर्मी लेवल की वजह से क्या हुआ, ये वाले ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से ही होल था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो इसका मतलब आप समझ लेना यहाँ चले गए ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ होल क्रिएट नहीं होंगे क्या, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो यहाँ एक होल क्रिएट हो गया, फिर ये आगे ऑक्यूपाई करेगा, तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एल्युमिनियम डले हैं सिलिकॉन में। तो आपको बात को समझना है कि सिलिकॉन सिलिकॉन में तो चलो हो ही रहा है जो भी काम हो रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है ना, और या फिर ये एल्युमिनियम के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ये भी टूट ही रहे हैं, जो जैसे भी टूट रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा होल था यहाँ पर, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री पड़ा था, वो उसे ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, तो उसका एनर्जी गेन नहीं कर लेगा, तो वो एनर्जी गेन करके इस लेवल पर आ जाते हैं, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ खाली होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये होल जिनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेज देंगे, समझ रहे हो ये चीज़, ये नॉर्मल चलता रहना है यहाँ पर। और बाकी जो टूट रहे थे सिलिकॉन सिलिकॉन में या सिलिकॉन एल्युमिनियम में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे थे, वो तो यहाँ से यहाँ जाने ही जाने हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो दे ही रहे हो आप, वो तो यहाँ से यहाँ जाने ही जाने हैं। लेकिन आप खुद सोचो ना, मेन कंडक्शन इसकी वजह से हो गई, तो आप बोल सकते हो कि भाई हाफ तो इस होल की वजह से हो रही है, और हाफ किसकी वजह से हो रही है, जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उनकी वजह से, और हाफ किसकी वजह से हो रही है, जो एल्युमिनियम की वजह से जो होल था,
क्या बात समझ में आई है कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? तो नॉर्मल सी आपको एक बात इसमें लर्न कर लेनी है, क्या ये हमारा जो होता है एक्सेप्टर वाला सेमीकंडक्टर होता है, और यही एक्सेप्टर लेवल भी होता है जिसको हम फर्मी लेवल बोल रहे हैं। तो एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट होती है, तो एक्सेप्ट कहाँ से करेगा ये सोचने की बात है। कंडक्शन बैंड में तो है नहीं इलेक्ट्रॉन्स इतने, कहाँ पर है फिर? वैलेंस बैंड में है ना, तो वैलेंस बैंड से ही एक्सेप्ट करेगा ना, तो वैलेंस बैंड के पास बनाएंगे ये फर्मी लेवल इसमें पी टाइप में, क्योंकि ये कौन सा होता है हमारा एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है ये। बात इतनी समझ में आ रही है या नहीं? और ये भी चीज़ याद रखनी है कि अब इतना एनर्जी गैप रह गया है, पहले अगर हम प्योर की बात करें तो वो थे 0.72 जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए कितना था 1.1 था, लेकिन ये रिड्यूस हो गया अब कितना 0.045 रिड्यूस हो जाएगा सिलिकॉन में, और जर्मेनियम का अगर हम बात करेंगे तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ रहे हो इतनी बात? तो अब इतना ही बचा ये एनर्जी गैप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई कैसे बने हैं ये एक्सट्रिंसिक में पी टाइप के लिए? ठीक है, तो मेन बात आपको याद करनी है कि ये फर्मी लेवल है क्या हमारे, कि द प्रेजेंस ऑफ मेन करंट कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। अब यहाँ पर होल्स या कहीं आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बना रखे हैं तो आप सोच लो इलेक्ट्रॉन है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए भी किसकी वजह से हैं? होल्स की वजह से आए हैं ना। आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ होल्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑटोमेटिकली आए क्योंकि यहाँ होल था एल्यूमिनियम का, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली इसके पास जाएगा ना। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो वही चीज़ हो रही है कि इलेक्ट्रॉन गए उन होल्स के पास तो पीछे होल्स क्रिएट हो गए, तो ये तो एक्स्ट्रा वाले होल्स हैं जो कि इम्प्योरिटी की वजह से, और बाकी जो होल्स हैं वो तो नॉर्मल हो ही रहे थे जो एनर्जी देने से कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे थे। कितनी बात समझ रहे? तो मेन कॉज क्या है यहाँ पर? होल्स ही हैं हमारे, मेजोरिटी होल्स ही हैं। तो वही चीज़ ये बोलता है फर्मी लेवल क्या है हमारे, कि जहाँ पर मेन करंट का जो भी मेन करंट है हमारा, ठीक है, उसका जो कोज है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ होल्स हैं हमारे, ठीक है, तो उसका जो हाफ पार्ट है वो यहाँ पर लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा रखे हैं, लेकिन आप समझना है यहाँ होल्स हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उन लेवल्स पे गए हैं, तो मतलब आपने समझना है कि होल्स ने यहाँ कैप्चर किए उनको, तो मतलब कैप्चर करे, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन कर ली, ठीक है ना, क्योंकि वो होल्स कैप्चर करेगा उसको। ठीक है, तो वो इस लेवल पर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से यहीं ट्रांसफर करना है अब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देके। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। देखो एन टाइप में भी वही कहानी है, लेकिन एन टाइप को आपको पता है कौन सा सेमीकंडक्टर भी बोलते थे हम इसको? डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते थे। ठीक है, तो देखो इसने डोनेट करने हैं, तो यहाँ पर जो फर्मी लेवल होगा इसका, तो डोनेट किसको करने हैं? कंडक्शन बैंड को ही करने हैं, तो ये इसी के पास आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ जो मेन कोज है करंट का वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाफ कैसे फ्री हो रहे हैं और हाफ कैसे फ्री हो रहे हैं वो आपको पता है इम्प्योरिटी से। जैसे सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है जैसे फास्फोरस, तो ये फोर तो इनके साथ बॉन्ड बना ही लेंगे, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो सिलिकॉन के हैं, ठीक है ना, इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए जो कि टूटेंगे एनर्जी देने से। ठीक है, वो तो एक अलग कहानी है जो कि हमारी इंट्रिंसिक में भी चलती थी, लेकिन फास्फोरस की पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी तो है, तो ये फ्री नहीं पड़ा है, बताओ। तो ये अगर ये फ्री पड़ा है तो ये ऑब्वियसली बात है ये कहाँ पर अपने एक एनर्जी गेन करेगा और कहाँ पर आ जाएगा, इस लेवल पर आ जाएगा, ये बात समझ रहे हो। ठीक है, तो ये इस लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, पहले तो एनर्जी गैप कितना था हमारे पास, अगर हम देखें टोटल इस यहाँ से देख लो, इंट्रिंसिक के लिए 0.72 था किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और 1.1 था सिलिकॉन के लिए, लेकिन अब कितना रह गया ये सिर्फ, अब इतना है पार्ट, समझ रहे हो, यहाँ से इसको यहीं तो जाना है या नहीं, समझ रहे हो इस चीज़ को किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। देखो ना, अब यहाँ पर ये ऑलरेडी एनर्जी गेन कर चुके थे क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले, ठीक है ना, तो फर्मी लेवल वही है कि जिसमें क्या हम बोलते थे कि मेन करंट के जो कैरियर थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेन करंट के कैरियर हैं यहाँ पर, तो वो हाफ हो, तो हाफ इसी की वजह से है ना, हाफ तो किसकी वजह से हैं, जो सिलिकॉन सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, या ये सिलिकॉन और ये फास्फोरस के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ये ब्रेक हो रहा है, लेकिन एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है ना, इनकी वजह से भी तो करंट फ्लो कर रहा है ना, समझ रहे हो इतनी बात, तो वो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये कह रहा है यहाँ पर है, समझ रहे हो इतनी बात, ये एनर्जी गेन करके यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब सिर्फ आपको एनर्जी इतनी देनी है, सिलिकॉन के लिए कितनी देनी है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी है, और जर्मेनियम के 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी है, डिफरेंस समझना है। एन टाइप में इतना एनर्जी गैप रह गया अब, सिलिकॉन के लिए इतना, जर्मेनियम के लिए इतना, समझ रहे हो, लेकिन पी टाइप में क्या हो रहा था, जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या हो रहा था, जो इंट्रिंसिक में थी जर्मेनियम और सिलिकॉन की एनर्जी गैप, उनमें से ये माइनस हो रहा था सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो फर्मी लेवल पे आए थे आपके पास, ठीक है ना, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, क्योंकि इतनी एनर्जी तो इनके पास थी ही यहाँ पर जितनी है, तो इससे आगे बढ़ना है इनको, तो वो क्या होगा, टोटल में से माइनस होगी, टोटल कौन सी कह रहा हूँ मैं, जो इंट्रिंसिक में थी, ठीक है ना बात, तो ये इम्प्योरिटी के बाद ये सब बना ना यहाँ पर भी, और यहाँ भी इम्प्योरिटी के बाद बना, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है, एनर्जी गैप वैसे इतना था, ठीक है ना, ये हमारा बैलेंस बैंड है, एनर्जी गैप इतना था, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर, फर्मी लेवल बना, ठीक है, फर्मी लेवल अगर यहाँ पर बना है तो अब इसको यहाँ पर जाने के लिए कितनी चाहिए, अगर सिलिकॉन की बात करें तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम की बात करें तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ये तो चीज़ें अब आपको क्लियर हो रही होंगी ना। देखो ना, देखो हाफ कोज यहाँ पर भी हम कैसे कह रहे हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन वाले तो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक, अब जो ये वाले ब्रेक होंगे
इतनी बात को समझना है आपको, ठीक है ना। ये वाले जो ब्रेक होंगे तो ये वाले किस तरीके से ब्रेक होते हैं, एनर्जी मिलेगी इनको, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक होंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ क्या होगा, होल क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पर हमने ये होल क्रिएट कर रखे हैं, समझ रहे हो ना ये चीज़, ठीक है ना। तो हाफ तो इसकी वजह से चलेगा करंट, कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से, और हाफ किसकी वजह से, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही पड़ा था फॉस्फोरस का वो यहाँ पर है। अब ये इतने सारे क्यों बना रखे हैं, क्योंकि फॉस्फोरस भी तो पता नहीं कितने होंगे ना, ठीक है ना। वो रेशो मैंने आपको बताई थी किस तरीके से इंप्योरिटी ऐड होती है, 10^6:1, मतलब क्या 10^6 अगर हमारे सिलिकॉन है तो 1 फॉस्फोरस डलता है, तो ऐसे पता नहीं कितने एटम्स होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो इतनी बात। तो फर्मी लेवल भी आपके समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से आपको समझने हैं ये एक्सट्रिंसिक में मेन यही दिक्कत होती है फर्मी लेवल्स वाली, ठीक है। बच्चों को ये नहीं समझ में आता, ये सिलिकॉन के लिए ये जो दी हुई है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर, तो इस ये यहाँ पर ट्रांसफर होगी या क्या होगा, तो आपको ये समझना है। ये तो यहाँ तक का एनर्जी लेवल है, इसके बाद आगे बढ़ना है तो टोटल जो होगा हमारा उसमें से इनको माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है एन टाइप में इतनी ही चाहिए हमें। और देखो इसी चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में जब हमने डिफरेंस किया था तो इंट्रिंसिक को क्या कहता है, लो कंडक्टिविटी वाले होते हैं, और एक्सट्रिंसिक हाई कंडक्टिविटी वाले होते हैं, ये चीज़ पता है आपको, ठीक है। और वो पता भी चल गया होगा आपको, यहाँ पर देख लो एनर्जी गैप कितना है, ठीक है, और यहाँ पर देख लो कितना रिड्यूस होके ही हो रहा है, और यहाँ तो बिल्कुल ही कम है। और फिर हमने जब पी टाइप और एन टाइप के डिफरेंस किए थे तो उसमें हमने बात करी दी थी कि पी टाइप में लो कंडक्टिविटी होती है और एन टाइप में, मतलब इन दोनों में अगर हम देखें किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो एन टाइप की ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ देख लो आप कितनी एनर्जी चाहिए इनको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने के लिए। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से बात, ठीक है। तो इनको अच्छे से बना लो डायग्राम्स को, मेन बात है ये समझना है आपको, ठीक है। ये तो ईजी थे कंडक्टर इंसुलेटर, और नॉर्मल हम सेमी कंडक्टर की भी बात करें तो ईजी था समझना, लेकिन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, लेकिन एक्सट्रिंसिक में पी टाइप और एन टाइप को आपको समझना है कि ये फर्मी लेवल क्या है और एनर्जी गैप हमारा कितना बनता है। लेकिन ये डायग्राम करने से पहले इसकी थ्योरी जरूर देख लेना, सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक क्या है, पी टाइप और एन टाइप क्या है एक्सट्रिंसिक में, ठीक है, फिर ये करना आप। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।